तो स्टॉक के अंदर चार्ट का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ तो लोअर लेवल से काफ़ी बढ़िया रिकवरी हुई है ऑलमोस्ट डबल हो गया है स्टॉक पच्चीस रुपये वाला स्टॉक था ये ठीक है अब बड़ी टाइम फ्रेम का मैं चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो थोड़ा हैरान हूँ 2007 में ये स्टॉक था टू हंड्रेड एंड फोर्टी रुपीज़ चार रुपये तक गया वहाँ से फिर ये स्टॉक चार रुपये तक गया काफ़ी टाइम टाइम पास किया ठीक है और अब ये थोड़ा ऊपर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है ऐसा ही फॉल कौन से स्टॉक्स में देखने को मिल रहा था देख रहे हो ना ये फॉल और ऐसा ही कुछ हो रहा है मैं आपको एक स्टॉक बताता हूँ नाम है यस बैंक देखो देख रहे हो अभी भी ये चलने वाला है तो समझ रहे हो ना कितना टाइम पास हुआ यहाँ पर देख लीजिए के इस ठीक है तो यहाँ पर जिस तरह का ये कंपनी का हिस्ट्री रहा है मैं बहुत ही अच्छी एडवाइस आपको दे रहा हूँ ये स्टॉक में अगर पैसा लगाओ ना तो अपने पोर्टफोलियो का एक परसेंट से ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा ठीक है थोड़ा रिस्की स्टॉक है और करंट मार्केट प्राइस पे मैं कुछ ना करने की एडवाइस दे रहा हूँ बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी लोअर लेवल पे बाय किया है ना तो होल्ड कर सकते हो फोर्टी टू रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसा इज़ योर ट्रेल स्टॉप लॉस फोर्टी टू रुपीज़ एंड फिफ्टी पैसा इज़ योर ट्रेल स्टॉप लॉस मैं नया फ्रेश लॉन्ग पोजिशन बाय करने की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ बी कश्यप के अंदर एग्जिस्टिंग बाय करके रखा हुआ है ट्रेल स्टॉप लॉस का सहारा लेके होल्ड करना है तो आप ज़रूर से होल्ड कर सकते हो ठीक है बट फ्रेश लॉन्ग पोजिशन नहीं बनाना चाहिए